फ्रेंड्स स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक है और नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हो बताऊंगी फ्रेंड्स। और अगर आपका वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं और आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है सही पासवर्ड डालने के बावजूद, तो फ्रेंड्स कैसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करते हैं बताऊँगी फ्रेंड्स। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, यूज़ करते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहीं पर दिख जाता है लास्ट में एडीसी सेटिंग ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है बैकअप एंड रीसेट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और आपको यहाँ दिखता है इरेजर डाटा फैक्ट्री रीसेट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कर देंगे और जो भी स्क्रीन लॉक लगा रहा है उसे जीरो कर देंगे, यहाँ से रीसेट कर देंगे। नेटवर्क को रीसेट करने से आपका जो भी होता है प्रॉब्लम वाईफाई या कोई नेटवर्क से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाता है इन्हें रीसेट करने से। एंड फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम हो तो अभी रीसेट करें, उन्हें रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड इन्हें रीसेट करने से बस यही होता है कि अगर आप वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट करें ब्लूटूथ कनेक्टर डिसकनेक्ट हो जाएगा, इसमें यही होगा कुछ नहीं। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा फीचर है तो फ्रेंड्स उसका यूज़ कर सकते हैं एंड नेटवर्क रीसेट कर सकते हैं। नेटवर्क रीसेट करते हैं आपको जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं और मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।